हुआ जो कुर्सियां बेजान, संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। बठिंडा दी ग्रीन सिटी दी अपार सफलता तो बाद हुन पेश है कन्हैयाज ग्रीन सिटी, जिथे सिक्योरिटी दे पुख्ता प्रबंध, खुलियां सड़कां, हरा भरा वातावरण, बिजली दियां अंडरग्राउंड तारां अते खूबसूरत फुल पौधे, लैंडस्केपिंग अते निर्माण कार्य चल रहे ने तेजी नाल। इस तो पहला कि सारे प्लाट बुक हो जान, संपर्क करो 8556002064 अते 85560021। कुर्सियां बेजान, संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन है। बोली भी इनकी है जो सीने पे खाई है, बोली भी इनकी है जो सीने पे खाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। अभी से क्या हो गए निराश जरा सोचना, से क्या हो गए निराश जरा सोचना। माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना, माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना। अभी से क्या हो गए निराश जरा सोचना, अभी से क्या हो गए निराश जरा सोचना। माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना, माफ क्या करेगा इतिहास जरा सोचना। हर इतिहास ने कलम तो कलम तो उठाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना तो है भाई ये लंबी लड़ाई है। कहन तो भाव आजादी भी 1947 दे विच एक राज नहीं मिली सी। एहो जे गीतां ने, एहो जे संघर्षां ने ईस्ट इंडिया कंपनी नूं भजाया सी। ईस्ट इंडिया कंपनी दे बड़े रूप होणगे, बड़े रंग होणगे, बड़े नां होणगे। अज जो ये संघर्ष विद्या गया, इस संघर्ष की कोई भाषा नहीं है। संघर्ष एक जोश हुंदा, संघर्ष एक इकट्ठ हुंदा, संघर्ष एक समूह हुंदा। तुसीं स्टेज दे उत्ते भी देखिया किस तरह इत्थे तमिलनाडु तो आए किसान अपनी भाषा दे विच अपने भावां दे नाल, भाषा नहीं सानू समझ आई, उन्हां दे भाव सीगे, उन्हां दे नाल गल करांगा, उन्हां दी अंदरलियां जिहड़ियां गल्लां सी उहदे नाल हाव भाव दे नाल समझा सके। सो इस वक्त साढ़े नाल आल इंडिया कृषक खेत मजदूर संगठन, कहने तो भाव कि जेड़े खेतीबाड़ी दे विच मजदूर ने, किसान ने, मध्य प्रदेश तो साढ़े नाल आए ने, निके निके बच्चे ने, नौजवान कुड़ियां ने। आप कहाँ से चल के आए अभी? हम लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से हैं। हमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नौजवान हैं। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जो पूरे देश भर में इस आंदोलन को समर्थन देते हुए आंदोलन संगठित कर रहा है, इसमें प्रगतिशील सांस्कृतिक मंच की ओर से भी हम लोग अपने गीतों के द्वारा, अपने कुछ गानों के द्वारा हम लोग इसमें मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन को। ऐसे आंदोलन क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप गीतों के जरिए लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रीढ़ की हड्डी होते हैं आंदोलन के। कितने आंदोलनों में इस तरह से आपने भाग लिया? जी, कई तरह के जो आंदोलन हैं, जैसे अभी पिछले वक्त में जो हम लोगों ने देखा NRCCA को लेकर जो मूवमेंट चला, अभी जो GST को लेकर जो एक मूवमेंट चला था, अभी हम लोगों ने देखा हमारे देश में, हम शायद आंदोलनों की अगर बात करें तो वक्त कम पड़ जाएगा। लगातार हमारे देश में एक ऐसा दौर शुरू हो गया है आंदोलनों का कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी क्षेत्र में देखें, आप समस्याएं हैं और आपको हर दिन लड़ने की ज़रूरत है। चाहे समस्या छात्रों की हो, महिलाओं की हो, नौजवानों से जुड़ी हुई बेरोजगारी की समस्या हो, हर क्षेत्र में समस्याएं और आपको हर दिन लड़ने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो आंदोलन है, जो जिसे किसान आंदोलन कहा जा रहा है, असल में इसे अगर हम देश का आंदोलन करें कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देश में अभी जिस तरह से खेती को कॉरपोरेट के हाथों में सौंपने की पूरी तैयारी की जा रही है, दूसरे जितने सारे हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र थे, चाहे वो बैंक हो, बीमा हो, रेलवे हो, हमारा शिक्षा हो, इलाज हो, सब कुछ कॉरपोरेट के हाथ में सौंपने की सही तैयारी सरकार कर चुकी है। ये बताएं कि मध्य प्रदेश हो, चाहे ये इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, तो वहाँ देखने के कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को निचोड़ा गया है, दबाया गया, तो वो ट्राइबल्स लोग हैं, क्योंकि कॉरपोरेट मल्टीनेशनल कंपनियों ने ट्राइबल इलाके में सबसे पहले घुसपैठ की, तो वहीं से भी संघर्ष छूटे हैं।
जी संघर्ष की जो शुरुआत हम लोग देखते हैं, असल में जंगल जल जंगल जमीन ये जो हम लोग कहते हैं, इससे जुड़े हुए जो जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो असल में वाकई ये समझ पाते हैं कि जो नीतियाँ आ रही हैं उसका क्या असर उन पर पड़ेगा, लेकिन जो इस तरह की जो सामाजिक ज़िंदगी है उससे कटे हुए जो लोग हैं शायद उतना बेहतर नहीं समझ पाते हैं जितना उस ज़मीन से जुड़े हुए लोग इस लड़ाई को समझ पाते हैं और नीतियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन अभी के समय की जो ज़रूरत है कि सब मिलकर लड़ें, क्योंकि अगर इस पर सवाल पैदा होगा कि आप क्या खाएंगे तब इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, इसलिए सब बिल्कुल आपने सही बात की कि यह सवाल पैदा होगा कि आप क्या खाएंगे तो वश जो है आम जनता सोचने लगेगी। जी भाई साहब आप क्या कहेंगे? हाँ मैं एमपी से हूँ, किसान हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तीन काले कानून जो सरकार ने लेके आई है तो जो किसान से छलावा किया है, एक धोखा किया है, तो हम सभी किसान सारे देश के किसान इकट्ठे हुए हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं और हम जो चाहते हमारे ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी जब तक हम यहीं रखे रहेंगे, कि हम जाने क्या करेंगे घर पर जाके, हमारी रोटी रोजी बेच दी है फिर किसान क्या करेगा? वो सरकार लंबी लंबे वादे करती है, किसान अन्नदाता है, किसान मेरा देश का एक वो है, उसको भगवान मानता है मतलब सरकार, लेकिन उन्होंने क्या किया इसके साथ? जी बिल्कुल, अन्नदाता एक भगवान है, जेकर भगवान नू मार देंगे तो की होगा। सो कुछ तमिलनाडु तो किसान आए ने, उन्होंने भी गलबात करते हैं। धन्यवाद भाई, जीते रहो। जगह दे उत्ते एको नारा है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। सो हमेशा संघर्षों दी गल हुंदी है, संघर्ष कई बार इकट्ठ नाल नहीं संघर्ष योगदान नाल भी बनते ने। ये तीन बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वख-वख कॉलेजों तो स्टूडेंट ने, भीड़ नहीं है पर इन्हां दे विच जोश है, इन्हां दे नाल गलबात करदे की जज्बा लेके आए ने। क्या जज्बा लेके आए हैं बच्चे इधर? सर ये जो किसानों का आंदोलन है किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ, ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, किसान इस देश के अन्नदाता हैं और वो हम छात्रों के गार्जियंस हैं। वो अगर उनके खिलाफ कोई कानून आता है तो वो कानून पूरे देश के खिलाफ एक कानून है, इसीलिए इस पूरे देश के छात्र, नौजवानों की, महिलाओं की, हर किसी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस आंदोलन को सपोर्ट करें, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करें। इसीलिए हम लोगों का छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सॉलिडारिटी वीक एक घोषित किया है 3 से 10 दिसंबर, और हम लोग जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं, और जब तक ये आंदोलन चलेगा हम छात्र इन किसानों के जज्बे को सलाम करते रहेंगे। ये किसान हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं, किस तरीके से वो लोग 25 तारीख से ही लाठियों का सामना करके, बैरिकेड्स का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक पूरे देश की जनता के लिए एक सीखने की बात है, उनके इस जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं, और जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा हम तब तक इस आंदोलन के समर्थन में यहाँ पर आते रहेंगे इस आंदोलन को सफल करने के लिए। सबसे बड़ी बात है आंदोलन इधर है, आंदोलन को शहर के अंदर ले जाना, समझे आप, कि उन लोगों के बीच में ले जाना जिनको ये नहीं पता कि किसान की लाइफ क्या होती है। बहुत प्रोपेगंडा किया जाता है किसान तो ये है वो है, लेकिन दिल्ली के उन लोगों के बीच में हमें इस आंदोलन को ले जाना है, उनको समझाना है कि यह आंदोलन असल में क्या है, ये कौन सी आज़ादी का आंदोलन है, कैसे ले जाएंगे? सर इसी के लिए हम लोगों की ये प्लानिंग है कि पूरे देश भर में, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हम लोग अलग अलग लोकेलिटीज़ में घर घर तक इस आंदोलन को लेकर जाएंगे और इस मैसेज को लेकर जाएंगे कि ये आंदोलन केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के पूरे आम जनता का आंदोलन है और इस आंदोलन को हमें क्यों सपोर्ट करना है, ये सब रीजंस को लेकर हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे कि क्यों हमें इस आंदोलन को सफल बनाने की ज़रूरत है। ये सब को हम इस पूरे आंदोलन को हम घर घर तक लेकर जाएंगे, यही हम लोगों की प्लानिंग है। अगर 9 तारीख को जीत हो जाती है इस आंदोलन की तो भी यह आंदोलन जारी रहेगा, लोगों को तो फिर भी समझाना होगा ना? जी बिल्कुल, ये आंदोलन नीतियों के खिलाफ एक आंदोलन है और जो भी गलत नीति आएगी, ये बात केवल इन काले कानूनों की नहीं है जो कृषि बिल आए हैं, केवल इनकी नहीं है, जो भी गलत नीति आएगी उसके खिलाफ आंदोलन चलता रहेगा। और जैसा कि भगत सिंह ने कहा था
आज़ादी से पहले कि अंग्रेज़ों को भगाना केवल हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि शोषण ख़त्म होना चाहिए। तो जब तक हम वो भगत सिंह की उस बात को, उस सपने को हम लोग पूरा नहीं करेंगे, तब तक इस तरीके के आंदोलन बार बार होंगे और इस आंदोलनों में हम लोग बार बार नेतृत्व देते रहेंगे, बार बार हम लोग इस तरीके के आंदोलन को समर्थन करते रहेंगे। जी आप कहाँ, कौन से कॉलेज से? जी DU से। DU से है, कौन से एरिया से हैं भारत के? नॉर्थ। नॉर्थ शहर में, लेकिन पढ़े लिखो लोगों को आम लोगों की बात समझानी बहुत मुश्किल होती है। जी पढ़े लिखे लोग भी आम लोग ही होते हैं और वो इतनी कॉमन बात समझते हैं कि एक किसान ही इस पूरी देश का बैकबोन है, और अगर किसान का ही, किसान के साथ अन्याय होगा तो सबके साथ ही अन्याय होगा। तो किसान की लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, सबकी है। इसी वजह से पढ़े लिखे इंसान भी ये बात समझता है। आम शहरियों की बात कर रहे हैं जो बिजनेसमैन है, जिन्होंने, जिनको ये नहीं पता होता कि सौंफ और क्या कहते हैं जीरे में फ़र्क नहीं है, उनको समझाने की बात कर रहा हूँ। जी सौंफ और जीरे का फ़र्क तो नहीं पता, बट उनको ये तो पता होगा कि कितनी मेहनत से उगाया होगा, उन्होंने भी पढ़ा होगा, उन्होंने भी देखा होगा किसी ना किसी तरीके से, तो वो लोग समझेंगे अगर उन्हें बताएंगे तो। और अगर उनको जीरे और सौंफ का फ़र्क नहीं पता तो कोई बात नहीं है, पर उनको ये समझ आना चाहिए कि किसान की कितनी मेहनत होती है उस चीज़ को उगाने के पीछे। जी धन्यवाद। सो अगे होर संघर्ष के, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ने, छोटे छोटे ग्रुप्स ने जोड़े कि इस अंदोलन में सीधे बैने सीधी बल करिए ताकत दे रहे हैं, इकट्ठ होर चीज़ है, ये लोग अलग चीज़ ने। इन्होंने क्या कि एक सुनेहा लेके जावे अंदरूनी भारत के लोगों तक जिन्होंने पता नहीं है अंदोलन की है। आओ होर सज्जना मित्रों, होर यहोजे नौजवानों गलबात करते हैं।